नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा शर्मा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एसएस होम्स पे। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आती रहती हूं, वैसे ही आज मैं आप सबके लिए लेके आई हुई काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट। तो आज हम आए हैं दोस्तों सुशांत सिटी अंसल सेकंड के अंदर। तो हमारा जो आज का विला है वो अंसल सेकंड के अंदर लोकेटेड है। मेन रोड से बात करें डिस्टेंस की तो मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 4 BHK के अंदर हमारी पूरी प्रॉपर्टी बनी हुई है। साथ ही अगर हम बात करें कि कितने स्क्वायर यार्ड में है तो ये पूरी प्रॉपर्टी 153 गज के अंदर बनी हुई है, यानी कि 26x53 के साइज के अंदर। साथ ही आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो एक JD अप्रूव प्रोजेक्ट रहने वाला है। फ्रंट में आपको 30 फीट की रोड मिलने वाली है, साथ ही प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपका विला लोकेटेड है। तो एक बार आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन, बैक साइड में मेरे काफ़ी ब्यूटीफुल एलिवेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों आइए अंदर से टूर करते हैं आप विला का। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे विला के लिविंग एरिया के अंदर। आप देख सकते हैं अच्छे स्पेशियस साइज में हमें लिविंग एरिया यहाँ मिल रहा है। अपर वॉल की बात करें तो फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल जाएगा, वॉल पे आपको मिल जाएगा वॉलपेपर डिजाइन, साथ ही थोड़ा सा यहाँ पर वुडन का वर्क करके दिया गया है जो कि काफी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। ऑलरेडी शाइन लेयर का वर्क आप देख सकते हैं अपर वॉल पे। LED पैनल की अगर मैं बात करूं, वुडन में LED पैनल यहाँ अवेलेबल है। एंड साथ ही लिविंग एरिया के अंदर एक वॉश फेशन एरिया होना तो मस्ट ही रहता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक वॉश फेशन एरिया, सेपरेट एरिया रहेगा। सेंसरलाइट की फिटिंग मिरर में आपको करके दी जा रही है। एंड साथ ही आपके लिविंग एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा एक कॉमन वॉशरूम एरिया। ब्रांडेड टाइल्स की फिटिंग मिल जाएगी, ब्रांडेड टैप फिटिंग मिल जाएगी, वेंटिलेशन एरिया आपको प्रोवाइड करके दिया है। एंड ये रहेगी हमारी किचन। किचन की अगर मैं बात करूँ, स्पेशियस साइज में हमें किचन मिल जाएगी ग्रेनाइट का टॉप के साथ। कैबिनेट्स वार्डरोब यहाँ पर अवेलेबल हैं वुडन के। चिमनी ऑलरेडी इंस्टॉल है। 2 विंडो प्रोवाइड है वेंटिलेशन के लिए। सिंक एरिया भी आपको यहाँ दिया गया है। RO आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्रोवाइड है। एंड आपके फ्रिज के लिए अलग से स्पेस यहाँ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हमने लिविंग एरिया देख लिया, किचन देख लिया, तो अब बारी है हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम को टूर करने की। तो आइए फर्स्ट मास्टर बेडरूम टूर करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम रहेगा, अच्छे स्पेशियस साइज के साथ फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। वॉलपेपर यहाँ मिल जाएगा आपको, AC का सेपरेट एरिया मिल जाएगा, फॉल सीलिंग देख सकते हैं अपर वॉल पे। एंड साथ ही आपका जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम है उसके अटैच में आपको एक लेट बाथ एरिया भी दिया गया है। एंड आपको मिल जाएगी वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब अवेलेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ मिल जाएगी एक ड्रेसिंग टेबल वुमेंस के लिए, तो आप देख लीजिए। तो अब हमने फर्स्ट मास्टर बेडरूम देख लिया है, अब टूर करने की बारी हमारे सेकंड बेडरूम। दोस्तों ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। अब आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको टेक्सचर वर्क मिल जाएगा, अपर वॉल देख सकते हैं, फॉल सीलिंग वर्क मिल जाएगा, AC के सेपरेट एरिया यहाँ पर भी अवेलेबल है। एंड यहाँ मिल जाएगी आपको वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसको आप एज ए चेंजिंग रूम बोल सकते हैं क्योंकि अलग से थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाएगा अंदर की साइड। तो दोस्तों अब हमने सेकंड बेडरूम भी देख लिया है, अब बारी है हमारे थर्ड बेडरूम को टूर करने की। दोस्तों ये थर्ड बेडरूम रहेगा, इसकी एंट्री देख सकते हैं हम ड्यूल रहने वाली है, तो यहाँ से हमारे गेस्ट रूम के लिए भी एंट्री जाएगी। बैक साइड में टच आपको दिख रहा होगा टेक्सचर का वर्क, AC का सेपरेट एरिया अवेलेबल है, फॉल सीलिंग वर्क आपको दिया है। एंड यहीं से ही हम चलते हैं हमारी गैलरी एरिया की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये हमें एक प्यारा सा गैलरी एरिया यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने टूर करा हमारा ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर हमने लिविंग एरिया एक्सप्लोर करा, साथ ही हमने किचन का टूर करा, साथ ही हमारे जो 3 रूम्स थे उनका हमने यहाँ पर टूर करा है। तो अब बारी हमारे लास्ट 4th बेडरूम को टूर करने की, जो हमें मिलेगा हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो आइए फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों ये फर्स्ट फ्लोर रहेगा, अलग से स्पेस थोड़ा मिल जाएगा बाहर के साइड आपको। एंड ये आपका टेरिस एरिया रहेगा ही। एंड आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको एक अटैच लैथ बाथ एरिया मिल जाएगा। एंड यहाँ से एंट्री होगी हमारे 4th बेडरूम की। काफ़ी डिसेंट एंड स्पेशियस साइज में हमें हमारा 4th बेडरूम मिल जाएगा। इसके अटैच में हमें मिल जाएगी बैल्कनी। तो आइए बैल्कनी देखते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सी बैल्कनी आपको मिल रही है स्पेशियस साइज के साथ। रेलिंग्स पे मिरर का वर्क मिल जाएगा एंड अपर वॉल पे वुडन वर्क मिल जाएगा, जिससे आपका जो एलिवेशन लुक है वो काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ लगने वाला है।
फ्रंट में 30 फीट की रोड मिल जाएगी, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपका विला लोकेटेड है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की प्रॉपर्टी आपको? आई होप आज की जो प्रॉपर्टी थी काफ़ी अच्छी लगी हो आपको। तो अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस से पहले एक बार मैं वापस आप सबको रिमेम्बर करवा देती हूँ कि आज की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो एक JD अप्रूव प्रॉपर्टी थी, 153 गज के अंदर बनी हुई। लोकेशन हमारी थी सुशांत सिटी अंसल सेकंड। तो अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस हमारे विला की रहने वाली है दोस्त 60 लाख रुपीज। बिल्कुल सही सुना आपने, 60 लाख के अंदर आपको मिल जाएगी 153 गज के अंदर बनी हुई एक JD अप्रूव प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अदर बाकी जानकारी के लिए स्क्रीन पे हमारे नंबर तो आपको दिख ही रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं स्नेहा शर्मा मिलती हूँ एक अगले नए प्रोजेक्ट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।